नमस्कार नमस्कार देवियों सज्जनों और साहो के डाई हार्ड फैनों आप सभी का स्वागत है हमारे इस खेला में। इसका नाम है करोड़पति। सबसे पहले तो हम स्वागत करना चाहेंगे ब्लॉकबस्टर साहू फिल्म की स्टार कास्ट का। यहाँ पे प्रभास जी वेलकम, श्रद्धा जी वेलकम, नील नितिन मुकेश जी वेलकम और स्पेशली हमारा इस खेला की पॉपुलैरिटी को देखते हुए अब हमारे साथ ज्वाइन हुआ है महेश मांजरेकर जी। ये खेला में आपके पास तीन लाइफ लाइन है। फर्स्ट वन बीइंग फोन अ फ्रेंड। खाली चीज यह है कि फोन आपका होगा लेकिन फ्रेंड हमारा होगा। दूसरा है ऑडियंस पोल, जिसमें पोल हमारा होगा, ऑडियंस आपकी होगी। तीसरा है एक्सपर्ट की राय। वो तो अगर एक्सपर्ट आए तो दे देंगे, नहीं आए तो बाय बाय। हेलो हेलो अच्छा हेलो, आप फोन उठाओ हिम्मत है तो। हेलो आज जी राजामौली साहब। हाँ। आप आए नहीं। अरे मैंने आपके लिए घर पे मौली वाले पराठे बनाए हुए हैं। साथ में साव का साग भी बनाया हुआ है। हाँ जल्दी आ जाओ और चलो 2000 करोड़ रुपया लेते आना। क्यों? क्योंकि हम आपके बाहुबली के कब्जे में हैं। बाय। हेलो सर, लेट मी इंट्रोड्यूस, ये हैं हमारे एक्सपर्ट। हम चाहते तो नहीं है कि एक्सपर्ट हो लेकिन हैं अरोड़ा साहब। इनके बारे में एक बात बता देते हैं कि जो बंद गोभी है ना वो खुल के वापस बंद हो सकती है लेकिन इनका मुंह कभी बंद नहीं होता। एक मिनट, राजामौली अगेन। हेलो राजामौली साहब, वो आपके बाहुबली में जो सांड था वो भी हमारे कब्जे में है, फ्री में ले जाओ आगे। ठीक है अरोड़ा साहब, प्लीज आज हम मूड में नहीं है, प्लीज माफ कीजिए। हाथ तो ऐसे जोड़ रहा है जैसे मैं रंजीत हूँ, ये बिंदु है, बात कर रहा है। देखिए सर, आपकी इन्हीं बातों की वजह से ना हमारे दूसरे एक्सपर्ट कभी आते ही नहीं है। 50 तोला महेश जी, 50 तोला प्रभास जी, 50 तोला मतलब? श्रद्धा 50 तोला, नील 50 तोला, अंकल 50 तोला, सबका 50 तोला। लेकिन जब इसको तोला तो तराजू खुद बोला 50 क्विंटल। कैसे आप? मस्त, एकदम मजे में। आप लोग के पिक्चर में वो भी ना मंदिरा बेदी आए नहीं, वो कोई बात नहीं, उनका टीवी पे बोलता आए मंदिरा। नहीं, नाम नहीं ले रहा हूँ, बोल रहा हूँ मंदिरा। कब तक हम लोग जिम में मिलेंगे? जिम यू नो। मैं एक बात कहना चाहता हूँ मंदिरा जी, इसके साथ मंदिर मत जाना, ये आपको अंदर भेज के आपके जूते चुरा लेगा। क्या अंकल? अरे पापा जी। अरे घबराओ मत, मैं तो आपको जादू की जप्पी दे रहा हूँ। अरे बाबा क्या बात है। नहीं नहीं बाबा, यहाँ पे सब अलाउड नहीं है। झप्पे पप्पे एनी फैमिली सो है, अलाउड ही नहीं है। हाँ। मैं प्रभास जी आपको एक राज की बात बताऊं, वन टाइम लड़की ग्रुप केम टू सी हिम। हाँ। वो कहते देख तो लेते लेकिन किस एंगल से देखे। फिर वो बिल्डिंग के ऊपर चढ़ गए, उनने ऊपर से देखे, कहते इधर से भी सेम दिखता है। Shut up, don't disturb me। ए माँ, ए भाई, ए उधर कुछ है माँ। क्या? ए माँ, ए माँ, माँ कुछ देना, घास ले देना माँ। माँ मैं अभी देखा हूँ माँ। ए मेरे को माँ माँ क्यों कर रहा? तेरी माँ की मुझे थी। माँ मेरे को कुछ दिख रहा है, मेरे को स्त्री दिख रही है माँ। स्त्री? नहीं बिल्कुल नहीं, ऊपर बैठो तुम, कोई स्त्री नहीं है। स्त्री से याद आया श्रद्धा, आपकी फिल्म ने 200 करोड़ कमाया। हाँ। मेरा नुकसान हो गया। क्यों? मैं एक स्त्री के साथ फिल्म देखने गया, उधर लिखा हुआ था स्त्री कल आना, वो वापस चली गई। वो अगले दिन आ गई, अगले दिन आई। मैं अपनी बीवी के साथ फिल्म देख रहा था, मैं पकड़ा गया। वेरी मच मेरा नुकसान। कुछ है, मैं बोला अंकल क्या हो रहा है? ओ स्त्री कल आना। मैं तो कहता हूँ परसों भी आना, और मैं तो कहता हूँ नरसों भी आना, और 11 बजे के बाद आना, मैं फ्री होता हूँ, मेरे को थोड़ी सी शादी करनी है। श्रद्धा जी, सब भगवान से शक्ति मांगते हैं, हम आपसे शक्ति कपूर जी मांग रहे हैं। एक दिन के लिए उनको यहाँ पे लेके आ जाइए, किसी का ढाकी चिक्की एक्सक्यूज मी, अगर आप लोगों ने मुझसे डरना ही नहीं था तो मैं जाऊं क्या अब यहाँ से? मेरी बात सुन, तू जब शीशा देखती तेरे को डर नहीं लगता? देखो तुम्हारा जरूरत नहीं है, तुमसे ज्यादा भयानक यहाँ पर बैठे हैं। चलो यार वेरी बैड फेस, I dislike totally. My apologies sir for the inconvenience. तो इस संवाद के बाद हम खेला शुरू करते हैं। खेला शुरू करने से पहले सर एक और जरा जोक्स दिमाग में आया है, थोड़ा सा बोलते हैं। सर आपने ये फिल्म बनाया वास्तव, तो इंडिया में बनाया तो वास्तव, ठीक है। यही फिल्म अगर आप श्रीलंका में बनाते तो फिल्म का क्या नाम होता? क्या होता? श्रीवास्तव। बहुत फनी है ये तो। सॉरी सर, थोड़ा मजा आता है इसलिए बोल देते हैं। तो सर सबसे पहला सवाल, 9,999 रुपए TDS काट के हमने फिगर बनाया है। तो इतने रुपए के लिए पहला सवाल ये रहा, आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे सवाल यह है सर कि कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा? इट्स यूनिवर्सल क्वेश्चन एवरीबॉडी। ऑप्शन ए, कटप्पा बाहुबली के हेयर स्टाइल से जेलिस था इसके लिए मार दिया। ऑप्शन बी, कटप्पा शादी करना चाहता था लेकिन उसको डर था कि बाहुबली औरत पर हाथ डालने वाले का गला काट देते हैं, बोला बाहुबली को ही रास्ते से हटा दो। मे बी। ऑप्शन सी, कटप्पा शायद बाहुबली की माँ शिवगामी देवी को चाहते थे लेकिन बाहुबली ने उनको मामा बना लिया था, तो कटप्पा का जो है वो पूरा सेटिंग खराब हो रहा था। मे बी, यू नेवर नो। ऑप्शन डी, सर ऑप्शन डी हम रखे नहीं है। क्या है कि अमेंद्र बाहुबली जी नहीं रहे ना, तो इसलिए फिर हमने एक ऑप्शन जो है वो मौन रखा है। अच्छा, हमने मॉर्निंग के लिए रखा हुआ है। दिस ऑप्शन इज नॉट एग्जिस्टेंट। तो पहले तीन में से आपको चूज करना पड़ेगा। एक्सपर्ट की राय आप ले सकते हैं। एक्सपर्ट, यू वांट टू गिव राय? ये तो हमसे राय ले लेंगे, हम आगे किनसे ले, हमारे पीछे कोई है नहीं। आप कुछ बोलना चाहेंगे संजय दत्त साहब? जी हाँ, हमने पूछा अब मैं हूँ या हूँ, हमको क्या पूछना है? बैठ जाइए आप, वरना हम आपको गोली मारेंगे। और वो भी देखिए, हम गोली आपको यहाँ नहीं मारेंगे, यहाँ मारेंगे, क्योंकि आपके फिल्म में आपने कहा है कि सब यहाँ होता है। हाँ, और मैं भी तेरे को गोली इधर नहीं इधर मारूंगा, क्योंकि तेरा भी सब यहीं पर होता है। बकवास कर रहे, बैठ जाइए यार। अच्छा मेरे एक बात सुनिए बच्चा यादव, सुना तुम्हारे अंदर सेट लगा हुआ, अंदर शूट भी करते हो तुम लोग? यार हमेशा बकवास। इतने बड़े स्टार है, प्रभास से मेरे को बात करने दो। प्रभास सर, वन क्वेश्चन था मेरे को आपसे। जब भी कोई औरत पे हाथ डालता आप उसका गला काट देते है ना, मेरे को अपना कुर्ते का गला कटवाना था, मैं किस पे हाथ डालूं? क्या आपके चरण कहाँ है यार? कहाँ थे आप? क्या बात किए? कहाँ थे आप? मैं अंदर घपा घाप पाव भाजी खा रहा था, भूख लगी थी ना मेरे को। क्या बात कर रहे हैं यार? सर इनके इनके घपाघप को इग्नोर करके जवाब दीजिए। बताइए आपके हिसाब से सही जवाब क्या है? ऑप्शन ए, बी, सी। ए। लेट मी चेक सर। सही जवाब। सही जवाब। क्या कर रहे हैं बाबा? इसकी धोती फाड़ दो, ये बहुत डराता है। सही जवाब है तो सही जवाब करने की क्या जरूरत थी? आराम से बैठ के बात करना। तो आप भी बैठिए। इतना डराता है, मैंने तो डायपर भी नहीं लगाया हुआ। आपका जवाब बिल्कुल साहू है। साहू, तो आप जीतते हैं 9,999 रुपए की रकम जो हम आपके बैंक अकाउंट में डाल सकते हैं। लेकिन हमें पता चला है कि आपके बैंक अकाउंट में ऑलरेडी 2,000 करोड़ का चोरी करके आपने कुछ मैनेज किया है। इतना पैसा है, वी आर पुअर, ये पैसा हमको दे दीजिए, ठीक है? तो हम ट्रांसफर नहीं कर रहे हैं, ये जाता है हमारे फंड में। थैंक यू वेरी मच सर। अगला सवाल जो आप सभी से है वो ये है कि श्रद्धा जी आपकी एक फिल्म थी, उसमें जो हीरो था वो बार बार कहता था मैं फिर भी तुमको चाहूंगा। अब ये हीरो का ऐसा क्या मजबूरी है कि फिर भी तुमको ही चाहूंगा। आपके ऑप्शन है ए, हीरोइन ने उससे पैसे उधार ले रखे थे जिसकी वजह से वो उसको छोड़ नहीं पा रहा। ऑप्शन बी, एग्जाम में हीरो का रोल नंबर हीरोइन के पीछे था तो कहीं फेल ना हो जाए इस डर से वो छोड़ नहीं पा रहा था। ऑप्शन सी, हीरोइन जो है वो अमीर बाप की बेटी थी और हीरो घर जमाई बनना चाहता था इसलिए फिर भी तुमको चाहूंगा पे लगा हुआ था। ऑप्शन डी, हीरोइन को हीरो के नेट बैंकिंग का पासवर्ड पता था इसलिए अब वो छोड़ नहीं पा रहा। इसमें आप चाहें तो हेल्प भी ले सकते हैं। संजू बाबा, आप कुछ हेल्प करना चाहेंगे, कुछ बताएंगे? जी हाँ, मैं हूँ खलनाया। I don't care. I don't want this additional information. I don't. बच जाइए अपना जगह पे यार। ज्यादा बकवास किया ना अभी तो अभी क्या अभी तेरा मांडवा तोड़ दूंगा मैं, समझा? मांडवा Who is that? अच्छा, ये बात मेरे को बतानी, एक बात बता सकते हैं अगर आप चाहे तो? पूछिए। ये हर बात में करना जरूरी है? जी हाँ। अरे आप मान गए भाई, मान गए। मेरे को आज तक गुस्सा नहीं आया इस आदमी ने। मेरे को तू ये खलनायक, तू ये खलनायक। मैं हूँ। जी हाँ। नहीं, कुछ नहीं बचेगा। ये के भायल करोड़पति में सुपर डांसर घुसाना जरूरी है क्या? और तुम्हारा ये बिना गर्दन के मुंह इधर लाना जरूरी है क्या? बकवास करता है। सोनी साहब, मेरा एक सवाल है, जिस बात पे कोई मजा भी नहीं आता उस पे भी इनका हंसना जरूरी है? आप लोगों के सवाल जवाब खत्म हो गए तो सेलिब्रिटी से जवाब ले लें जरा। हाँ। अरे ले ना यार, बार बार मेरे जो गेस्ट लोग से बात करो, सेलिब्रिटी से काहे को बात करता रहता है। सर प्लीज बताइए, फिर भी क्यों चाह रहा था वो हीरो? ऑप्शन ए, बी, सी और डी। ए क्या था? ए ऑप्शन, आई विल टेल यू। ऑप्शन ए था कि हीरोइन ने उधार पैसे ले रखे हैं ना उससे। हो सकता है। या बी तो क्या है, वो रोल नंबर जो है आगे पीछे था उसको कॉपी करना था, फेल होने का डर था। बी, आप बी को लॉक करते हैं। लेट मी चेक। सही जवाब। और तेरी धोती में किसी ने कुत्ता छोड़ा है? देखो, सही जवाब, सही जवाब। बेवकूफ, स्टूपिड मैन ऑफ द अर्थ ऑफ द सेंचुरी। यार लीजिए, आप जीत गए हैं 50,555 रुपए। लेकिन जैसा कि हम देख सकते हैं आपकी ये फिल्म बहुत बड़ी फिल्म है, बहुत सारे पैसे ये फिल्म कमाने वाली है, तो इन पैसों का आपको क्या जरूरत है? हाँ, Please donate it to me. Yeah, thank you very much एक बार फिर। You are very kind. बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अब आगे बढ़ते हैं। कितना आगे बढ़ेगा तू? आगे बढ़ता जा रहा है, आगे बढ़ता जा रहा है। एक दिन इंडिया खत्म हो जाएगा, श्रीलंका शुरू हो जाएगा। बदतमीज का पराठा। बदतमीज का पराठा। इनको हम इग्नोर करते हैं, सवाल की ओर बढ़ते हैं। ओके सर, पूरे 1,00,000 रुपए के लिए, यानी कि एक पेटी के लिए, ये रहा आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे। सवाल यह है कि डोसा और समोसा, इनको कभी भी कोई साथ में ऑर्डर क्यों नहीं करता? आपके ऑप्शन है ए, क्योंकि बरसों से उनके अंदर नफरत का आलू भरा जा रहा है, इसके लिए वो दोनों कभी साथ नहीं आते। ऑप्शन बी, लाल चटनी समोसे को और नारियल चटनी डोसे को भड़काती रहती है। ऑप्शन सी, डोसा तो समोसा से मिलना चाहता है लेकिन समोसा तिकोना है, वो डोसे को चुभ जाता है इसलिए। या फिर ऑप्शन डी, डोसा समोसा का मौसा है शादी में रूठ गया था, इसलिए दोनों में बातचीत नहीं चल रहा है। अच्छा, तो यहाँ पर संजू जी भी बैठे हैं, आप कुछ टिप्पणी देना चाहेंगे, प्लीज कुछ कहना चाहेंगे आप? नहीं लेकिन यार। अरे बजाओ यार। अंकल मेरा तो मूड खराब हो गया है, चलो पौवा पिलाओ मेरे को। ना 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 ना, इधर पैग वैग ऑर्डर नहीं कर सकते, नहीं पी सकते हैं। अंकल मैं तो बोलता हूँ उठ के इसको एक 30 ml का चाटा मारो ना, क्योंकि मैंने अगर 90 ml का मार दिया ना इधर ही मर जाएगा ये। चलो जाने दो, कोई बात नहीं। खबरदार डांस किया आप, हम देखेंगे ही नहीं। नहीं करने दो करने दो, ये बंदा तो फिर भी ठीक कर रहा है। एक इधर और बंदा आता है, अपने आप को गोविंदा का भांजा बोलता है, पता नहीं क्या करता रहता है। ओए ये हवा में पूरियां निकालता रहता है। जी हाँ बेटे, ये खलनायक हमने बनाया तुम्हें, हमारी क्या गलती है? हमने पता है तू खलनायक, कान के पास आके बोलता सर इग्नोर एवरीथिंग। बताइए क्या जवाब है आपका, ए बी सी या डी? सर ए, ऑप्शन ए। लेट मी चेक। सही जवाब। सर माइंड ब्लोइंग, बैक टू बैक सही जवाब दे रहे हैं आप लोग यार। ये लीजिए आप जीतते हैं ये एक पेटी। ये पेटी आप रखिए इसके साथ। ये जस्ट अ पेटी और कुछ नहीं है, एम्प्टी पेटी। पेटी के साथ आप कोट लगा लीजिए अपना, तो शायद ये पेटी कोट भी बन जाए। गंदी बात, मजे के लिए बात बोलते हैं, जस्ट अ जोक से नॉट। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, चलिए। अगला सवाल एक खोका के लिए। खोका, ओके, खोका की बात कर रहा है। व्हाट? नहीं मैं कुछ नहीं बोला। मैं बोला क्या? जी हाँ। नहीं बोला, नहीं। किधर बोला मैं? मेरे को तो सुनाई नहीं दे रहा। बोला क्या मैं? चलिए रेजी सर, ये रहा अगला सवाल आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे। लव द एनर्जी मैन। ये नील जी आपका एक फिल्म आया था, आ देखें जरा। अच्छा, हमारा सवाल है इसमें क्या देखने की बात की जा रही है? ऑप्शन ए, वो देखने की बात की जा रही है। अच्छा। ऑप्शन बी, ये देखने की बात की जा रही है। ऑप्शन सी, बात ये देखने की जा रही है लेकिन वो देखा जा रहा। ऑप्शन डी, आ देखे जरा में जरा जरा देखने का बात कर रहे हैं लेकिन जरा देख नहीं रहे, देख पूरा रहे हैं। तो हमने जो इनसे सवाल पूछा उसके बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे? आपको क्या लगता है मुझको क्या हुआ है? क्यों मैं खो गया हूँ? पागल था मैं पहले। या मेरे को डी वाला ठीक लगता है, डी वाला ऑप्शन। इतना ही बताना था, पूरा गाना क्यों गाया दोस्त? जी हाँ, मैं सुना। अब हमें नहीं लगता हम जीवन में ये गाना फिर कभी सुन पाएंगे। चलिए ठीक है, तो नील जी हाँ जवाब दीजिए, आपको क्या लगता है कौन सा ऑप्शन सही है? मैं बाबा के जवाब से सहमत हूँ, डी। ऑप्शन डी? जी। नहीं मेरे को ऑप्शन डी नहीं लगता है, मेरे को ऐसा लगता है कि ये अपनी फैमिली को बोल रहे ले, कैसा कपिल शर्मा शो 9:30 बजे सोनी टीवी पे आता है, वो देखे जरा। व्हाट आई फील, व्हाट यू फील इज फाइन, लेकिन ऑप्शन में है नहीं, ये कहाँ से आ गया यार बीच में? अच्छा, जिसकी वजह से ऑप्शन पड़ रहा है उसका ऑप्शन रखा ही नहीं इसने। सोनी साहब इसका दूसरा ऑप्शन देखो। तू बोल जिया जिया, मैं भी हूँ खलनायक। सॉरी सॉरी, मैं लो साहब तेरी धोती फाड़ के रुमाल करूंगा। सर हमें नहीं लगता ये खेला आगे बढ़ पाएगा। माँ हेलो पौजी, हम खेला को यहीं समाप्त कर रहे हैं, खत्म हो गया है खेला। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया ये खेला हमारे साथ।